बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। जो पिछली हमारी जो लेक्चर स्लाइड्स थी उसमें हमने ऑपरेटिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था और बुनियादी तौर पे हम सॉफ्टवेयर के बारे में डिस्कशन कर रहे थे और जो एंड हमने किया था वो ऑपरेटिंग सिस्टम पर किया था। और आपको मैंने बताया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो बुनियादी तौर पर सिस्टम सॉफ्टवेयर की एक टाइप है और ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या है कि वो आपके जितना भी कंप्यूटर सिस्टम है और जो भी उसके कंपोनेंट्स हैं उसकी कंट्रोल और उसकी जो कोऑर्डिनेशन है डिफरेंट पार्ट्स के दरमियान उनको इंश्योर करता है और तमाम पार्ट्स को मैनेज करता है और ये इंश्योर करता है कि ऑल दी पार्ट्स आर वर्किंग फाइन। ठीक है, तो अब ऑपरेटिंग सिस्टम्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल है और बुनियादी तौर पर आज हमने डिफरेंट टाइप्स डिस्कस करनी है। तो ये वो टाइप्स हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे, जिसमें सिंगल यूज़र, मल्टी यूज़र, मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी टास्किंग, मल्टी प्रोसेसिंग, एम्बेडेड और रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स हमारे पास मौजूद हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं सिंगल यूज़र और मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम्स की। अगर हम सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो फर्दर उनको दो डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें है सिंगल यूज़र सिंगल टास्क और सिंगल यूज़र मल्टी टास्क। तो जैसे कि नाम से जाहिर है कि एक तरफ तो सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम से मुराद ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको एक वक्त में एक ही यूज़र जो है वो यूटिलाइज कर सकता है और एक यूज़र जो है उसके साथ कनेक्ट होके उससे डिफरेंट सर्विसेज अवेल कर सकता है। लेकिन सिंगल यूज़र सिंगल टास्क का मतलब यह है कि एक यूज़र एक वक्त में सिर्फ और सिर्फ एक टास्क परफॉर्म कर सकता है, जबकि सिंगल यूज़र मल्टी टास्क का मतलब यह है कि एक यूज़र एक वक्त में मल्टीपल टास्क जो है वो परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, अगर आप आजकल के मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम्स की बात करें तो हमारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है आप उसमें देखते हैं कि हम एक वक्त में मल्टीपल टास्क जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, एट द सेम टाइम हमने ब्राउज़र का लेट सपोज जो सॉफ्टवेयर है वो ओपन किया है और हम ब्राउजिंग कर रहे हैं, ऑन दी अदर हैंड हम कुछ डाउनलोडिंग भी कर रहे हैं, मीनवाइल हम कोई वर्ड प्रोसेसिंग में भी इन्वॉल्व हैं। तो बुनियादी तौर पर ये तमाम जो है ये मल्टी टास्किंग की कैटेगरी में आते हैं और ये मल्टी टास्क हैं जो कि हम एक वक्त में परफॉर्म करते हैं। ठीक है, सो सिंगल यूज़र सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर बात की जाए तो जैसे मैंने आपको पहले कहा है कि ये वो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो एक वक्त में सिर्फ एक यूज़र को अलाउ करते हैं और वो जो यूज़र है वो बुनियादी तौर पे सिर्फ एक ही काम जो है वो एक वक्त में परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, सो हमारे पास जो है डिफरेंट हैंड हेल्ड डिवाइसेज जिस तरह के PDA है, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट जो है वो बुनियादी तौर पर इस कैटेगरी में आता है और उसमें हम जो है वो एट अ टाइम एक ही सिंगल टास्क जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। जबकि अगर आप आजकल के मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम्स की बात करें जैसे कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है तो ये बुनियादी तौर पे हमारे पास जो है वो सिंगल यूज़र मल्टी टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें एक यूज़र इसके साथ कनेक्टेड होता है और जैसे कि आपको इस पिक्चर में भी बताया जा रहा है वो मल्टीपल टास्क जो है वो परफॉर्म कर रहा होता है। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो यहाँ पर गिवन है और ये आप इसको रीड कर लेंगे, मैं ऑलरेडी जो है वो डिस्क्राइब कर चुका हूँ। आगे बात करते हैं और मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम्स की बात करते हैं। तो मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम बुनियादी तौर पे वो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि आपको अलाउ करते हैं कि आप एक वक्त में मल्टीपल यूज़र्स इसके साथ कनेक्ट जो है वो हो सकें। अब यहाँ पर यह बात समझने के लिए ज़रूरी है कि ऐसे फिजिकली तो आपने ये कभी नहीं देखा होगा कि एक कंप्यूटर सिस्टम है और उसके ऊपर जो है वो मल्टीपल यूज़र्स एट अ टाइम जो है उसको फिजिकली यूज़ कर रहे हैं, नहीं। बुनियादी तौर पे ये बात हो रही है नेटवर्किंग की और जो शेयरिंग एनवायरनमेंट है उसकी बात हो रही है कि जब आपके पास जो सर्विसेज हैं वो शेयर हो रही हैं डिफरेंट यूज़र्स के दरमियान। अगर आप जो है नेटवर्किंग की बात करें तो वहाँ पे हमारे पास सर्वर और क्लाइंट्स का कॉन्सेप्ट मौजूद होता है। ठीक है, सर्वर वो कंप्यूटर है नेटवर्क में जो कि ये सर्विसेज बुनियादी तौर पे प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो अब जैसे कि आप जानते हैं कि नेटवर्क एनवायरनमेंट में मल्टीपल यूज़र्स जो हैं वो सर्वर के साथ कनेक्टेड होते हैं, तो आपका जो सर्वर है वो एक वक्त में मल्टीपल यूज़र्स को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर इस सिचुएशन में जो ऑपरेटिंग सिस्टम आपके पास सर्वर पर इंस्टॉल है ये मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्योंकि ये एक वक्त में मल्टीपल यूज़र्स को हैंडल कर रहा है जो कि फिजिकली मे बी डिफरेंट लोकेशंस पर मौजूद हैं, लेकिन वो तमाम जो हैं वो जो सर्विसेज ले रहे हैं वो सर्वर से ले रहे हैं। तो सर्वर जब एक से ज़्यादा यूज़र को एक वक्त में सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है तो इस एनवायरनमेंट को हम मल्टी यूज़र एनवायरनमेंट कहते हैं और यहाँ पे जो सर्वर आपका यूज़ हो रहा है वो आपके पास मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपके पास डिफरेंट यूनिक्स की एग्जांपल मौजूद है, आपको इस पिक्चर में भी बताया जा रहा है कि किस तरीके से मल्टीपल यूज़र्स जो हैं वो आपस में कनेक्टेड है। तो बुनियादी तौर पर यह पिक्चर एक नेटवर्किंग एनवायरनमेंट को शो कर रही है।
इसके अलावा आपके पास VMS और मेन फ्रेम ऑपरेटिंग सिस्टम, ये तमाम एग्जांपल्स हैं मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के। आगे बढ़ते हैं और यूनी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं। तो बुनियादी तौर पे यूनी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब ये है कि आपको इससे पहले थोड़ा सा ये समझना होगा कि हमारे प्रोग्राम जो हैं वो किस तरीके से प्रोसेसर में प्रोसेस किए जाते हैं और किस तरीके से उनको कंट्रोल और मैनेज किया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ से। तो बुनियादी तौर पे हमारे जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो पड़े होते हैं सेकेंडरी स्टोरेज में, और सेकेंडरी स्टोरेज से जिन प्रोग्राम्स को हमने एग्जीक्यूट करवाना है ऑपरेटिंग सिस्टम उनको ट्रांसफ़र कर देता है आपकी मेन मेमोरी में, या सिंपली हम यहाँ पर कहेंगे रैम में। और रैम जो है इन टर्न उन प्रोग्राम्स को आगे आपके पास जो है वो प्रोसेसर में भेजता है फॉर एग्जीक्यूशन। तो अब यूनी प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट क्या है? यूनी प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि आपके पास एक वक्त में सिर्फ एक ही प्रोग्राम जो है वो मेमोरी में भेजा जाता है, ठीक है, और वो प्रोग्राम फिर फर्दर प्रोसेसर को ट्रांसफ़र किया जाता है, और जिस वक्त वो प्रोग्राम प्रोसेसर से उसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाती है तो वो प्रोग्राम जो है वो रिटर्न किया जाता है, और उसके बाद न्यू प्रोग्राम जो है वो मेमोरी में ट्रांसफ़र किया जाता है, ठीक है। सो अब इसमें यहाँ पर मसला क्या है कि आपके पास मेमोरी में एट अ टाइम सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोग्राम जो है वो प्रेजेंट होता है। अब वो प्रोग्राम जब आप प्रोसेसर में भेजते हैं और लेट सपोज किसी वजह से वो प्रोग्राम जो है वो ब्लॉक स्टेट में चला जाता है बिफोर दी कंप्लीशन, तो अब इस सिचुएशन में आपकी जो CPU की साइकिल्स हैं या जो आपके प्रोसेसर की साइकिल्स हैं वो वेस्ट होंगी, ठीक है, क्योंकि मेमोरी में कोई दूसरा प्रोग्राम मौजूद नहीं है जिसको जो है इस वक्त रन करवाया जाए। तो आपके पास एक ही प्रोग्राम है और जिस वक्त तक इसकी कंप्लीशन नहीं होती प्रोसेसर से कंप्लीट एग्जीक्यूशन, तो आप नेक्स्ट प्रोग्राम मेमोरी में नहीं लेकर आ रहे, ठीक है। तो यहाँ पे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि आपकी CPU की जो साइकिल्स हैं वो वेस्ट हो रही हैं। तो अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो मल्टी प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट है। मल्टी प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि आप एक वक्त में मेमोरी में एक से ज़्यादा प्रोग्राम रखें, ठीक है। मल्टी प्रोग्रामिंग में हम कहते हैं कि आप एक वक्त में मेमोरी में एक से ज़्यादा प्रोग्राम रखें ताकि अगर एक जो आपका प्रोग्राम है वो किसी वजह से ब्लॉक हो जाता है, ठीक है, और आप उसको फर्दर एग्जीक्यूट और कंप्लीट राइट नाउ नहीं कर सकते, तो आप मेमोरी से दूसरा प्रोग्राम उठाकर और मीनवाइल आप अपने प्रोसेसर में प्रोसेस करवा सकते हैं। तो इससे आपकी जो CPU साइकिल्स हैं वो वेस्ट होने से बच जाएंगी, और CPU जो कि आपका सबसे प्रीशियस रिसोर्स है उसको आप उसकी यूटिलाइजेशन को इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। तो यूनी प्रोग्रामिंग में एक वक्त में सिर्फ एक प्रोग्राम मेमोरी में, और अगर वो ब्लॉक हो गया तो किसी वजह से प्रोसेसर में, तो आपका CPU साइकिल्स वेस्ट होंगी। जबकि मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में ऐसा नहीं है, आपकी मेमोरी में चूंकि एक से ज़्यादा प्रोग्राम एक वक्त में पड़े होते हैं तो अगर एक जो कि है किसी वजह से ब्लॉक हो जाता है तो आप दूसरा प्रोग्राम भेजकर और CPU की यूटिलाइजेशन को इंक्रीज कर सकते हैं और CPU का जो टाइम है वो वेस्ट होने से बचा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आगे जाते हैं मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अब मल्टी टास्किंग इज बेसिकली बिल्ड ऑन टॉप ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, ठीक है। मल्टी प्रोग्रामिंग ने आपको सिर्फ ये कहा कि एक वक्त में मेमोरी में एक से ज़्यादा प्रोग्राम रखो ताकि अगर एक प्रोग्राम किसी वजह से ब्लॉक हो जाता है तो हम दूसरा प्रोग्राम जो है वो प्रोसेसर में भेजकर और CPU की यूटिलाइजेशन को इंक्रीज कर सकें। मल्टी टास्किंग कहती है कि नो, नॉट ओनली कीप मल्टीपल प्रोग्राम्स इन द मेमोरी बट रादर रन देम कॉन्करेंटली। मल्टी टास्किंग क्या कहती है कि ना सिर्फ आप मेमोरी में एक से ज़्यादा प्रोग्राम रखें बल्कि इन सब को एक साथ आप रन भी करवाएं ताकि जो साइमल्टेनियस एग्जीक्यूशन है उसको हम अचीव कर सकें, ठीक है। तो अब ये किस तरीके से किया जाएगा, इसके लिए बुनियादी तौर पे आपको मल्टी टास्किंग जो है वो टाइम शेयरिंग की फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड करती है। अब टाइम शेयरिंग में क्या होता है कि आपका जो टाइम है प्रोसेसर का टाइम है वो डिफरेंट जो मेमोरी में प्रोसेसेस पड़े हुए हैं या प्रोग्राम्स पड़े हुए हैं, बुनियादी तौर पे प्रोग्राम और प्रोसेस में एक डिफरेंस है वो मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन यहाँ पे मैं उसको प्रोग्राम का वर्ड यूज़ करता हूँ। सो आपकी मेमोरी में जो प्रोग्राम पड़े हुए हैं उनको साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट करवाने के लिए आपके पास टाइम शेयरिंग की टेक्निक है, और उसमें बुनियादी तौर पे होता क्या है कि जैसे मैंने पहले बताया कि आपके प्रोसेसर का टाइम जो है वो इन प्रोग्राम्स के बीच में शेयर कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम इस तरह एज्यूम करते हैं कि आपके पास जो है वो 5 प्रोग्राम्स मेमोरी में पड़े हैं, तो हर एक प्रोग्राम को 2-2 सेकंड के लिए मेमोरी आपके प्रोसेसर में भेजा जाएगा। अगर तो वो प्रोग्राम उस 2 सेकंड के टाइम में कंप्लीट हो गया, ठीक है, ये 2 सेकंड मैंने एक जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे लिया है, ज़्यादा कम आप इसको एग्जांपल लेकर समझ सकते हैं। तो अगर तो वो इस टाइम में, अच्छा पहले तो ये याद रखें कि इस टाइम को टाइम स्लाइस कहा जाता है, ठीक है, ये जो आपके हर प्रोग्राम को जो टाइम दिया जाता है प्रोसेसर का इसको टाइम स्लाइस कहा जाता है, ठीक है।
तो अगर तो इस टाइम स्लाइस के अंदर एक प्रोग्राम जो है उसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गई तो दैट्स गुड, ठीक है। अदरवाइज उस प्रोग्राम को वहां इंटरप्ट कर दिया जाएगा और दूसरे प्रोग्राम को अंदर भेजा जाएगा, और इस तरीके से हर प्रोग्राम को इन टर्न जो है वो उस टाइम स्लाइस के मुताबिक बार बार जो है वो प्रोसेसर में भेजा जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है वो इन तमाम प्रोसेस को साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। यहाँ मैं ये बात आपको बताना चाहूँगा कि आजकल के मॉडर्न सिस्टम्स में आप देखते हैं कि हम मल्टीपल टास्क जो है वो एक साथ परफॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है, साइमल्टेनियस एग्जीक्यूशन हम कर रहे होते हैं। हालांकि एक फैक्ट ये है कि आप एक वक्त में प्रोसेसर में एक से ज़्यादा प्रोग्राम रन नहीं कर सकते, ठीक है। तो फिर ये किस तरीके से हम अचीव करते हैं, एक सिंगल प्रोसेसर में हम किस तरीके से मल्टीपल प्रोग्राम्स को हम रन करते हैं कॉन्करेंटली, दैट इज़ बेसिकली विद द हेल्प ऑफ टाइम शेयरिंग टेक्निक, ठीक है। ये जो स्विचिंग है फ्रॉम वन प्रोग्राम टू अनदर प्रोग्राम, ये इतनी फास्ट होती है कि हमें ये लगता है कि ये तमाम प्रोग्राम जो है वो साइमल्टेनियसली एक साथ एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बुनियादी तौर पर टाइम शेयरिंग के थ्रू अचीव होता है। यहाँ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि ये जो टाइम स्लाइस है, ठीक है, कि जो हर प्रोग्राम या हर प्रोसेस को अलॉट किया जाता है ये फिक्स्ड होता है, ठीक है। क्योंकि अगर आप ये इसको फिक्स नहीं रखेंगे और किसी प्रोग्राम के लिए ज़्यादा और किसी प्रोग्राम के लिए आप कम रखेंगे तो फिर आप साइमल्टेनियस एग्जीक्यूशन को अचीव नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमने बात स्टार्ट की थी यूनी प्रोग्रामिंग से, जिसमें सिर्फ एक प्रोग्राम अलाउ होता है आपकी मेमोरी में, और अगर वो प्रोसेसर में स्टक हो जाता है तो आपके पास कोई दूसरा प्रोग्राम नहीं होता सीपीयू की यूटिलाइजेशन को इंक्रीज करने के लिए। और उसके बाद जब हम आगे बढ़े तो हमने बात की मल्टी प्रोग्रामिंग की, जिसमें एक से ज़्यादा प्रोग्राम मेमोरी में रखा जाता है ताकि अगर एक प्रोग्राम जो है वो ब्लॉक हो जाए तो हम दूसरे प्रोग्राम को भेजकर और सीपीयू की यूटिलाइजेशन को इंक्रीज कर सकें। और फिर उसके ऑन टॉप ऑफ दैट हमने मल्टीटास्किंग की बात की, जो बुनियादी तौर पर यह कहता है कि ना सिर्फ आप एक से ज़्यादा प्रोग्राम मेमोरी में रखें बल्कि इनको एक साथ आप एग्जीक्यूट भी करें। और फिर वो कैसे ये एग्जीक्यूशन पॉसिबल होगी, क्योंकि एक सिंगल प्रोसेसर के साथ तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम मल्टीपल प्रोग्राम्स को रन कर सकें, तो दैट इज़ विद द हेल्प ऑफ टाइम शेयरिंग टेक्निक जो मैंने अभी पीछे आपको एक्सप्लेन की। और इसके बाद ये आगे जाते हैं और नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो बेसिकली मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम वो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि मल्टीपल प्रोसेसर्स का यूज़ करते हैं एक साथ, ठीक है। मल्टीपल प्रोसेसर्स मींस के मोर देन वन प्रोसेसर जो है वो आपके एक एट अ सिंगल टाइम काम कर रहे हैं। अब यहाँ पर दो वेज हैं हमारे पास, या जब मैं कहता हूँ हमारे पास तो बुनियादी तौर पर यहाँ हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं, कि टू स्ट्रेटजीज यहाँ पर हो सकती हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के पास। एक तो ये कि वो हर सेपरेट प्रोसेसर में एक सेपरेट टास्क या एक सेपरेट प्रोग्राम को रन करे, ठीक है। तो इस तरीके से हम मल्टीपल प्रोग्राम्स को एक साथ जो है वो रन कर सकेंगे। या फिर कुछ प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं जिनको सब प्रोग्राम्स या जिनको थ्रेड्स हम कहते हैं, थ्रेड्स आर बेसिकली द पार्ट्स ऑफ अ सेम प्रोग्राम, तो उनको थ्रेड्स में या सब प्रोग्राम्स में डिवाइड किया जा सकता है और उनको फिर अगर तो वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है तो उनको आप सेपरेटली इंडिपेंडेंटली रन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों स्ट्रेटजी जो है वो मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में मौजूद होती हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के पास, कि अगर वो डिपेंड्स अपॉन कि कौन सी स्ट्रेटजी जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम में ऑप्ट की जाती है, कि हर प्रोसेसर में सेपरेट प्रोग्राम्स भी रन किए जा सकते हैं और एक ही प्रोग्राम को डिफरेंट थ्रेड्स या सिंपल, अगर आपको थ्रेड्स की समझ नहीं आती तो सिंपल सब प्रोग्राम्स या पार्ट्स में डिवाइड करके आप जो है वो मल्टीपल प्रोसेसर्स पे जो है वो रन कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि फॉर एग्जांपल अगर एक प्रोग्राम की जो एग्जीक्यूशन टाइम है वो 5 मिनट्स है और उसको आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जीक्यूट किए जा सकते हैं, तो आप उस प्रोग्राम को 2.5 मिनट्स में उसकी एग्जीक्यूशन को कंप्लीट एग्जीक्यूशन को अचीव कर लेंगे, ठीक है। तो ये है हमारे पास मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पर आपको ये बताया जा रहा है कि बुनियादी तौर पे एक आर्किटेक्चर बताया जा रहा है मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का, कि उसमें होता क्या है कि आपके पास एक ही मेन मेमोरी होती है, ठीक है। मैंने आपको जो मेमोरी हायरार्की है उसके बारे में ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि आपकी डिफरेंट मेमोरीज एग्जिस्ट करती हैं। सबसे बड़ी मेमोरी आपके पास सेकेंडरी मेमोरी है, उसके बाद आपके पास मेन मेमोरी, उसके बाद आपके पास जो है वो कैशे मेमोरी और देन प्रोसेसर के रजिस्टर्स हैं। तो यहाँ पे बुनियादी तौर पे मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का आर्किटेक्चर आपके साथ शेयर किया जा रहा है कि आपके पास एक सिंगल मेन मेमोरी होती है, ठीक है। उस मेन मेमोरी में आपके प्रोग्राम जो है वो प्रेजेंट होते हैं और उससे फिर आगे फर्दर आपके पास हर प्रोसेसर की अपनी कैशी मेमोरी जो है वो एग्जिस्ट करती है और जो आपकी सिस्टम बस है, ठीक है, उसके थ्रू ये डेटा और
जो भी आपकी इंस्ट्रक्शंस वगैरह है उनको हर प्रोसेसर को ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है। तो दैट वाज अबाउट मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। आगे बढ़ते हैं जी और बात करते हैं एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम्स की। तो बुनियादी तौर पे जो एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एम्बेडेड कंप्यूटर सिस्टम्स के लिए यूज़ किए जाते हैं। सो एम्बेडेड कंप्यूटर सिस्टम से मुराद वो सिस्टम्स हैं जो कि किसी और मशीन में एज अ सब पार्ट के तौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। हमारे जो एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम हैं उनकी जो रिसोर्सेज होती हैं वो भी लिमिटेड होती हैं और जो फंक्शनैलिटी वो परफॉर्म करते हैं वो भी लिमिटेड होती है, ठीक है। मैं आपको इसकी एग्जांपल दूंगा। जैसे आप देखें कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि इट इज़ अ कंप्यूटर दैट इज़ अ पार्ट ऑफ अ डिफरेंट काइंड ऑफ मशीन। मिसाल के तौर पर अगर आप डिजिटल कैमराज की बात कर लें, ठीक है, तो जो पर्पज़ है डिजिटल कैमराज का वो पिक्चर कैप्चर करना है, लेकिन इस कैमरा को कंट्रोल करने के लिए जो इसके अंदर सॉफ्टवेयर एग्जिस्ट करता है जो कि इस कैमरा की फंक्शनैलिटी को ऑपरेट करता है वो एक एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप लेट सपोज एयरप्लेन कंट्रोल्स की बात करें तो एयरप्लेन का जो एक्चुअल ऑब्जेक्टिव है, जो पर्पस है, वो एक कम्प्लीटली डिफरेंट है, लेकिन उस पर्पस को अचीव करने के लिए वहाँ पर हमारे पास जो कॉकपिट में जो डिफरेंट फंक्शनैलिटीज अवेलेबल है उनको कंट्रोल करने के लिए जो सॉफ्टवेयर जो है यूज़ किया जाता है, जो ऑपरेट करता है उन तमाम फंक्शनैलिटीज़ को, तो उसको हम एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, ठीक है। तो ये बुनियादी तौर पे डिफरेंट काइंड ऑफ मशीन्स जो हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ होती हैं, उन डिवाइसेस को कंट्रोल करने के लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किया जाता है तो उसको हम एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो दी जा रही हैं, जैसे कि आपके पास डिजिटल कैमरा की एग्जांपल मौजूद है, उसके अलावा मोबाइल फ़ोन, क्योंकि मोबाइल फ़ोन का जो एक्चुअल पर्पस है वो कुछ और है, लेकिन मोबाइल फ़ोन की फंक्शनैलिटी को कंट्रोल करने के लिए उसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता है उसको भी एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कहा जाता है। द लास्ट वन इज अ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। और रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की जो प्रोसेसिंग होती है या जो एग्जीक्यूशन होती है वो रियल टाइम होती है। अब यहाँ रियल टाइम से क्या मुराद है कि जैसे ही डाटा प्रोड्यूस होता है, एज सून एज द डाटा इज प्रोड्यूस, तो डाटा को फौरन ही प्रोसेस कर दिया जाता है, ठीक है, विदाउट एनी डिले। इसकी एग्जांपल आपको समझने के लिए अगर आप लाइव क्रिकेट मैच ब्रॉडकास्टिंग को देखें तो जैसे जैसे वहाँ पर हमारे पास डाटा प्रोड्यूस हो रहा है वैसे ही उस डाटा को प्रोसेस करके ट्रांसफ़र किया जा रहा है और वो यहाँ पर आपके जो टीवी सेट्स हैं उस पर आपको डिस्प्ले किया जा रहा है, ठीक है। तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम से मुराद वो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि एज सून एज द डाटा इज प्रोड्यूस्ड उसको प्रोसेस करते हैं, ठीक है। और इसमें जो डिले होता है या जो रिस्पांस टाइम है वो बहुत ही मिनिमम होता है, ठीक है। आप इसको बिल्कुल डिले नहीं कर सकते और आपको फौरन ही डेटा को प्रोसेस करना होता है। अब मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि दो तरह के रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास मौजूद है, एक है हार्ड रियल टाइम और एक है सॉफ्ट रियल टाइम। सॉफ्ट रियल टाइम में जो स्लाइड डिले है, अगर थोड़ा बहुत डिले जो है वो अलाउ होता है, जैसे कि लाइव क्रिकेट ब्रॉडकास्टिंग या कोई भी आपके पास लाइव स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग हो रही है, तो इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम, ठीक है। जबकि अगर हम बात करें फॉर एग्जाम्पल रडार सिस्टम की, तो रडार सिस्टम का बेसिकली क्या काम है कि वो पैटर्न्स आइडेंटिफाई करता है, और अगर वो किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर ले जिसका पैटर्न उसके पास स्टोर नहीं है तो वो फौरन ही एक अलार्म जो है या फौरन ही एक सिग्नल जो है वो इशू करता है। अब इस तरह के सिस्टम में जो डिले है वो बिल्कुल अलाउड नहीं होता, ठीक है, डिले के लिए जीरो टॉलरेंस होती है। तो इस तरह के सिस्टम्स को हम कहते हैं हार्ड रियल टाइम सिस्टम, ठीक है, जिसमें बिल्कुल डिले अलाउड नहीं है। तो ये दो टाइप के रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं हमारे पास। इसकी कुछ एग्जांपल हैं QNX, RT Linux, ठीक है, ये हमारे पास एग्जांपल है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स की। सो दैट वाज अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम व्हिच वी हैव। थैंक यू वेरी मच।